तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या टी10 लीग खेली जानी है आज से, उसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई दूसरा ही मैच जो कि खेला जाएगा काका मैगा बफेलोज वर्सेज एम्बू रिनोज के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को मेरे भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्प्लीट देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी गारंटी भाई इस मैच में आपकी विनिंग भी अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि देखिए दोनों ही टीम्स का यहाँ पर पहला मैच है और टूर्नामेंट का दूसरा मैच है, तो यहाँ पर टूर्नामेंट भी बिल्कुल नया है और तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है और आप यहाँ पर ईजिली काफ़ी अच्छी विनिंग इस मैच में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भाई आपको भी प्लेयर्स की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है और उसके के लिए भाई आपको वीडियो देखना काफी जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक मेरे भाई ज़रूर से आपको करना ही करना है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग की, तो डेट भाई आप देख सकते हो यानी कि आज की रहने वाली है। वहीं अगर बात करें टाइमिंग की तो दोपहर को 1 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर नैरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड में नैरोबी में मैच खेला जाएगा और ऑलमोस्ट पूरा टूर्नामेंट भाई सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ पर ग्राउंड के बारे में देखिए स्टार्टिंग के 3-4 मैचेज में हमें क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, देखिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो ना वो बिल्कुल नॉर्मल करना। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों टीम्स का पहला मैच है, देखना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, कौन से प्लेयर्स का कहाँ पर बैटिंग ऑर्डर रहता है, क्योंकि टी10 में बैटिंग ऑर्डर कभी भी मतलब स्टेबल नहीं रहता। तो देखना पड़ेगा भाई जब तक सभी टीम के एक एक दो दो मैच नहीं हो जाते कि कौन सी टीम यहाँ पर क्या कुछ करने की सोच रही है। तो 2 से 3 दिन भाई आपको स्टार्टिंग के आराम से खेलने, उसके बाद आप हाई इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हो अगर मतलब लीग हमारे समझ में बैठ जाती है उसके बाद। अब अगर यहाँ पर पिच की बात करें तो बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प रहेगी यहाँ पर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। वेदर की बात करें पार्सली क्लाउडी रहेगा, बारिश के चांसेस ना के बराबर है। एवरेज स्कोर भाई 80 से 100 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। जिस जो ये ग्राउंड है यहाँ पर जो पहले कुछ मैचेज क्लब टी20 के खेले गए थे, लेकिन क्लब टी10 के कोई भी मैचेज के रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, तो आप मान सकते हो कि एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए इस मैच की जो भी हम बात कर लें इस वीडियो में, कुछ भी मैं आपको स्टेट्स दिखा दूं, लेकिन दोनों टीम्स का पहला मैच है तो ऑब्वियसली बात है आपको चेंजेस टीम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे ना उनकी सारी अपडेट साथ ही साथ मेरी फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भाई जो फर्स्ट कमेंट आपको दिखेगा पिंड कमेंट, उसमें भी भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह में से कहीं से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर आगे प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे काका मैगा बफेलोज के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ पर भाई मॉरिस ओमा आपको दिखेंगे, 55 मैच का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 731 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। यहां पर अगर बात करें हमजा खान सेकंड की, तो आप देख सकते हो यहां पर 20 मैच में 153 रन और 21 विकेट, एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर आपके लिए यहां से होने वाला है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर अल्फ्रेड लुसोनो 3 मैच में 1 विकेट है, जीएल मिनी जीएल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। राज शेट्टी की बात करें तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर 15 मैच में 153 रन है, तो आपके लिए ठीक ठाक सा डिसेंट सा प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आप ऋषभ
ऋषभ वर्धन पटेल की तो आप देख सकते हो, इनके कुछ स्टेट्स हमें मिले नहीं। नीचे अगर बात करें यहाँ पर विशाल भोजानी की, तो 3 मैच में 13 रन इन्होंने बनाए हैं, ठीक ठाक सब प्लेयर है, बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे है। तो आप इस हिसाब से इसे जीएल मिनी जीएल में एक आध टीम में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी जो कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर है वो भाई आप या तो टॉस के बाद हमें पता लगेगा या फिर एक मैच होने के बाद हमें पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अथर्वा तेम्बकर की बात करें तो 5 मैच में 46 रन और 1 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुष्कर शर्मा की बात करें 2 मैच में 99 रन है, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, लेकिन भाई बैटिंग ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो ये जो डाउट है ये भाई क्लियर होगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे लाइनअप्स वगैरह आएगी तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अंदाजा लग जाएगा। विलियम नगारे की बात करें तो आप देख सकते हो 18 मैच में 18 विकेट इन्होंने निकाले, काफी शानदार रिकॉर्ड और काफी शानदार प्लेयर है, जरूर से हमारे टीम में रहेगा, 100% हमारे टीम में रहेगा ही रहेगा। नीचे अगर बात करें तो आप देख सकते हो इरफान इलाही ने 1 मैच में 9 रन बनाए, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। मोहित जावा की बात करें तो 65 मैच में 33 विकेट और 1800 के आसपास ऑलमोस्ट रन है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, इवन कैप्टनसी वीसी का भी सबसे अच्छा चॉइस यहाँ से रहेगा। अब अगर बात करें ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। सबसे पहले भाई आप मोरिस ओमा को अपनी टीम में रख सकते हो, हमजा खान को अपनी टीम में रख सकते हो, राज शेट्टी को अपनी टीम में रख सकते हो। नीचे अगर बात करें तो पुष्कर शर्मा को रख सकते हो, अथर्वा तेम्बेकर को जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, विलियम नागरे को आप अपनी टीम नगारे को अपनी टीम में रख सकते हो, और नीचे भाई बात करें तो मोहित जावा को रख सकते हो। एम्बू रेनोस के प्लेयर्स के स्टेट्स की बात करें तो नीचे आप देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेंगे भाई राकेश पटेल, इन्होंने भाई 89 मैच खेले, 1700 रन और 36 विकेट, गजब का प्लेयर, 100% आपकी टीम में रहेगा, इवन सीवीसी का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेल्सन ओडियम्बो की बात करें तो 59 मैच में 1114 रन है, हालांकि बॉलिंग कुछ इन्होंने करवाई नहीं है, तो आप इन्हें एज ए बैट्समैन ही अपनी टीम में लेकर चलोगे तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर से रख सकते हो। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, 1100 के आसपास रन का एक्सपीरियंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें नरेंद्र कल्याण की तो 6 मैच में 74 रन प्लस 4 विकेट, बेहतरीन प्लेयर, एक जो कोम्बो वाला प्लेयर होता है ना वो भाई यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या तो भाई बैटिंग में आके 20-30 रन बना देगा या फिर भाई बॉलिंग में आके 1-2 विकेट निकाल देगा, तो कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट देने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर नेहमिया ओडियम्बो की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 82 मैच में 596 रन और भाई यहाँ पर 73 विकेट, एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो ज़रूर से आप इसे मतलब अपनी टीम में कंसिडर करके चल सकते हो। 82 मैच में 73 विकेट, T10 में काफ़ी, T10 T20 दोनों दोनों के ओवरऑल स्टैट्स हैं, तो यहाँ पर भाई दोनों में 82 मैच में 73 विकेट निकालना कोई मतलब छोटी बात नहीं होती, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, साथ ही साथ ऑलमोस्ट 600 रन भी है। वहीं अगर बात करें जॉर्ज कामांगू की तो इनके भी कुछ खास स्टैट्स हमें नज़र नहीं आए। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर मिर्जा दानिश की, एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर, 57 मैच में 356 रन 55 विकेट, गजब का प्लेयर, ट्राई कीजिएगा। मिहिर जैसानी की बात करें तो 10 मैच में 172 रन, अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर शहबाज मलिक की तो 62 मैच में भाई 76 विकेट है, ये आपके लिए काफ़ी गजब का प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो 100%, इवन जीएल मिनी जीएल में तो कैप्टनसी भी दे सकते हो। सज्जाद मलिक की बात करेंगे तो भाई 3 मैच में इन्होंने यहाँ पर 25 रन बनाए और 2 विकेट भी निकाले, तो अगेन आपके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक यहाँ से रहेगा, ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर टोनी ओचिंग की तो आप देख सकते हो 4 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला है, जितेंद्र ईरानी ने यहाँ पर 2 मैच में 45 रन बनाए हैं। अब यहां से अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर में मार्क करके बताऊं तो राकेश पटेल आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नीचे अगर हम बात करें तो भाई नेल्सन ओडियम्बो को हम अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा नरेंद्र कल्याण को आप अपनी टीम में रख सकते हो, जो नेहमिया ओडियम्बो है इनको भी हम अपनी टीम में रखेंगे, तो दोनों ओडियम्बो हमारी टीम में रहेंगे। वहीं अगर बात करें मिर्जा दानिश की तो मस्ट पिक रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। मिहिर जैसानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे अगर बात करें तो शहबाज मलिक आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगा। नीचे अगर आप इन तीनों में से किसी को ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखिए यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, इनके अलावा कोई प्लेयर खेलता दिखेगा तो उसके स्टैट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी है, दोनों जगह से कहीं से भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर बाय चांस लिंक वर्क ना करें
तो डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @realkpm1। अगर आपको सर्च करने का नहीं पता तो मैं आपको यहाँ से एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। सेम टू सेम यूजर नेम आपको डालना है @realkpm1, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है, KPM और 1 यहाँ पर आपको सारे के सारे बिना स्पेस के स्मॉल लेटर्स में लिखने, और आपको टॉप पर हमारा चैनल दिखेगा। यही चैनल आपको ज्वाइन कर लेना। करंटली अगर बात करें तो 5.9K की फैमिली चल रही है यहाँ पर। कभी भी भाई आपकी अगर सपोर्ट रही, आप लोगों भाइयों का प्यार रहा, तो भाई यहाँ पर कभी भी हमारी फैमिली 6K क्रॉस कर सकती है। तो 5.9K या फिर 6K की फैमिली आपको दिखेगी, यही चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर अगर बात करें भाई डेमो टीम की, तो वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए भाई, राकेश पटेल आपके लिए मास्टर पिक रहेगा, ठीक है। बैटिंग प्लस बॉलिंग भी करके देगा अगर भाई ये विकेट कीपिंग नहीं करता है तो अपनी टीम के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन में है, बट अगर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो भाई बॉलिंग भी करके देगा। वहीं अगर बात करें एम ओम्मा की, तो एम ओम्मा के लिए एक बार मैं आपको स्टेट्स यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मॉरिस ओम्मा 55 मैच में 731 रन, आपके लिए अगेन एक बेहतरीन प्लेयर है। आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक को भी ट्राई कर सकते हो। राज शेट्टी एक डिफरेंशियल पिक रहेगा, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें जी गवांगू यानी कि जॉर्ज गवांगू की, तो इनकी भी एक बार भाई यहाँ से देख लेते कि क्या कुछ यहाँ पर इनके स्टेट्स हमारे लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे जॉर्ज गवांगू की बात करें तो इनके स्टेट्स हमें मिले नहीं थे, तो भाई इनके बारे में ज़्यादा बात हम करेंगे भी नहीं। यहाँ से अगर बात करें तो एन ओडीएम वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भाई जो हर्षवर्धन पटेल है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमारे पास स्टेट्स वगैरह है नहीं, तो इनको हम अभी के लिए ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो शहबाज मलिक मस्ट हैव पिक रहेगा, बैटिंग से ज़्यादा भाई बॉलिंग से उम्मीद है इनसे, और 100% हमारी टीम में रहेगा। सिर्फ 2% सिलेक्शन है, अगर खेलता है तो भाई आपको हर हाल में अपनी टीम में लेके चलना। विशाल भोजानी की अगर बात करें तो विशाल भोजानी की भी मैं आपको थोड़े से एक बार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। स्टेट्स कुछ खास यहाँ पर हमारे पास है नहीं। वहीं अगर बात करें ऋषभवर्धन पटेल की, तो इनके भी स्टेट्स हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा नहीं दिखा सकते। तो ना तो भाई यहाँ से विशाल भोजानी को ट्राई करेंगे, ना ऋषभवर्धन पटेल को। अब जो लास्ट प्लेयर है वो भाई यहाँ से या तो आप मिर्जा दानिश को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई यहाँ से अगर बात करें तो नरेंद्र कल्याण पटेल को हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे। तो नरेंद्र कल्याण पटेल के भी एक बार भाई मैं आपको स्टेट्स दिखा देता हूँ नीचे चल के। तो नरेंद्र कल्याण यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और मिर्जा दानिश तो आपके लिए मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी के लिए जो मिर्जा दानिश है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नरेंद्र कल्याण पटेल को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। बाकी देखिए ऊपर अगर इन दोनों प्लेयर्स में से किसी के भी स्टैट्स आपको मिलते हैं किसी ऑफिशियल साइट पर, तो भाई आप उन स्टैट्स के बेस पर इनको ट्राई कर सकते हो। मैं फाइनल टीम में हो सकता है इनको ट्राई कर भी लूँ, क्योंकि फाइनल जो भी टीम रहेगी उसके स्टैट्स में पूरे पूरे निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से अगर बात करें सज्जाद मलिक की, तो सज्जाद मलिक के भी एक बार मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं। यहां पर 3 मैच में 25 रन और 2 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे ड्रॉप ही करके चलूंगा। टी ओचिंग की बात करें यहां पर, टोनी ओचिंग की, तो इनके भी भाई हमारे पास स्टैट्स नहीं है, तो एक बार मैं आपको अगेन दिखाता हूं यहां पर स्टेट्स तो है लेकिन भाई ज़्यादा कुछ खास स्टेट्स नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यू नगारे की, विलियम नगारे की, तो विलियम नगारे आपके लिए एक बार हम देख लेते हैं कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। 18 मैच में 18 विकेट 76 रन भी हमारे लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो टीम में रखते हैं। एम जावा जावा की बात करें, तो भाई इनके जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक ही है, तो 100% हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इनके स्टेट्स भाई यहाँ पर मैंने देखे तो थे यार, यहाँ पर आप देखिए भाई इवन कैप्टनसी भी आप दे सकते हो, 65 मैच में 1700 रन और 33 विकेट, सिर्फ भाई 4% सिलेक्शन है। कॉपी का भाई एम जावा 4% सिलेक्शन है, मतलब आपको और क्या ही चाहिए। इरफान इलाही वगैरह ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, या फिर भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। जो जे हिरानी है यानी कि जितेंद्रा हिरानी है, इनके अगर स्टेट्स की बात करें तो अगर मिलते हैं तो भाई आप जरूर से अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। नीचे 2 मैच में 45 रन है, ठीक ठाक सा प्लेयर है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें सज्जाद मलिक की, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक सा ही प्लेयर है, अगर आप इनको भी चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे तो भाई यहाँ पर आपको दिखेंगे आई इलाही के भी बारे में भाई यहाँ पर क्या ही बात करें। अभी के लिए मैं इन दोनों ही ऑलराउंडर्स को ले रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में आ जाइए, यहाँ से अगर बात करें तो भाई आपके लिए एन ओडियम्बो मास्टर पिक रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भाई जीना ईरानी की, तो जीना ईरानी के बारे में भी एक बार हम थोड़ा सा ऊपर चल कर देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारे पास है। तो जीना ईरानी को मैं अपनी टीम में अभी के लिए नहीं ट्राई कर पाऊँगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर
थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर भाई ओम पटेल को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन भाई आपके लिए ज़्यादा कुछ अच्छे ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर अगर बात करें प्रोटोस एरिसोगा की, इनके भी भाई हमारे पास स्टेट्स नहीं है। एल विष्णु की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको एलिफ्रेड विष्णु के स्टेट्स दिखाता हूँ, तो ठीक ठाक सा ही प्लेयर है भाई, बट बॉलिंग ऑप्शन में ज़्यादा कुछ अच्छे हमारे पास ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहे, तो भाई मैं इन्हें ट्राई कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ से अगर बात करें तो हमजा खान कहीं पर हमें दिखेंगे, तो भाई हम हमजा खान को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पर आप देखिए भाई हमजा खान हमें दिख रहे हैं, हमजा खान को हम अपनी टीम में यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में एक प्लेयर जो हमें और ट्राई करना है उसकी अगर बात करें तो भाई के मुटेम्बे को हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, फिर जय ईरानी के बी ओमा को किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। फाइनल मेरी जो भी टीम रहेगी उसमें मैं आपको इस प्लेयर के बारे में बता दूंगा। तो अभी अगर सी वी सी की यहाँ से बात करें तो जो कैप्टनसी है ना वो भाई अभी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ एन ओडियम्बो को। वीसी की अगर बात करें तो भाई वीसी जो अभी मैं लेके जा रहा हूँ एम जावा को, मोहित जावा को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा रहा हूँ। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस मैं आपको करता नजर आऊँ, बट अभी के लिए जो मेरी सी वीसी है वो ये रहेंगे और टीम आपके सामने। तो इस टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी उसकी अपडेट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।